हाय गाइस, मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी शाओमी के पुराने फोन से अपने नए शाओमी के फोन में पूरा डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि एप्स डेटा और आपकी कॉल हिस्ट्री, आपके SMS और आपके मोबाइल की सेटिंग्स, आपका लॉन्चर के आइकन, सब कुछ आपको वही पुराना आपके नए फोन में आ जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने न्यू फोन लिया है और आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके पुराने फोन में था सब कुछ वही आ जाएगा। और यहाँ तक ही नहीं, आपके इंटरनल स्टोरेज में जो भी डेटा होगा जैसे कि फोटोज वीडियोज, वो भी आपके न्यू फोन में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ आपको Redmi Note 4 और Redmi Note 5 Pro। अब मैं आपको Redmi Note 4 से Redmi Note 5 Pro में सारा डेटा ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, जैसे कि इंटरनल स्टोरेज का डेटा और एप्लीकेशन का डेटा और मेरी कॉल हिस्ट्री, मेरे कॉन्टेक्ट वगैरह, ये सभी मैं अपने Redmi Note 5 Pro में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। अगर आपने भी न्यू फोन लिया है जैसे कि Redmi Note 5 Pro और चाहते हैं कि अपने पुराने Xiaomi का डाटा अपने Redmi Note 5 Pro में ट्रांसफर कर दे और अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो इस प्रोसेस के लिए हम यूज करने वाले मी मूवर, और अपने बिना पीसी को यूज करे हम अपने पुराने फोन का डेटा अपने नए फोन में लेकर जाएंगे। तो चलो यार, मैं लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन। तो इसके लिए मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोनों में राइट साइड है मेरा Redmi Note 4, लेफ्ट साइड है मेरा Redmi Note 5 Pro। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाने के बाद, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद मी मूवर खोलना होगा, और जिसमें रिसीव करना होगा आई एम रिसिपिएंट, और जिसपे आपको सेंड करना होगा उसको आई एम सेंडर में करने के बाद ये बार कोड को स्कैन करना होगा। बार कोड जैसे ही आप स्कैन कर लेंगे आपका फोन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और ये आपसे पूछेगा क्या क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैं सभी चीज को सेलेक्ट कर देता हूँ और सेंड पर कर देता हूँ। ये आपको कुछ वार्निंग देगा, आपको इसको पढ़ लेना होगा। पढ़ लेने के बाद आपकी ट्रांसफरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है जितना बड़ा आपका डेटा होगा। तो लगभग मेरा 10-15 जीबी का डेटा था, उसमें मुझे लगभग आधा घंटा लग गया था। तो ये मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं जैसे ही आपको होम पे दिखाऊं, मैंने दो लॉन्चर डाल रखे थे, वही लॉन्चर आ चुके हैं, और बिल्कुल मेरा होम पेज सेम वैसा ही आ चुका है जो मेरे पुराने फ़ोन Redmi Note 4 में था। अभी मैं आपको होम पे दिखाऊं तो वही फोल्डर आया है, और वही फोल्डर में वही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो जिन जिन एप्लीकेशन में मेरे जिस अकाउंट से लॉगिन था वो अब ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई मैं पुराने फोन से नए फोन पर आया हूँ। जैसे कि आपने देख लिया, आप अपने पुराने फोन का डेटा अपने नए स्मार्टफोन में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि मी यूआई पर रन करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने पुराने स्मार्टफोन से नए स्मार्टफोन में डेटा ट्रांसफर कर पाए, और वो भी बिना पीसी को यूज करे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं।